अब देखते खबर हमीरपुर यूपी से। बिजली विभाग की मनमानी और लापरवाही से परेशान हो रहे उपभोक्ता किसानों ने जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और इस प्रकार से विरोध करते हुए उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के राठ बिजली विभाग का है, जहां पर मुस्कुरा खुर्द में रहने वाले सैकड़ों किसानों ने आज राठ नगर स्थित बिजली विभाग में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। उपभोक्ता किसानों ने बताया कि उनके कनेक्शन के पैसे ले लिए गए हैं, लेकिन अभी तक न तो मीटर के तार खंभे से जुड़े हैं और न ही उनके घर में लाइट पहुंची, लेकिन बिल बराबर आ रहा है। अब इसको बिजली विभाग की लापरवाही कही जाए या फिर चापलूसी की, बिजली आ रही नहीं है लेकिन बिल बराबर पहुंचा जा रहा है। तो वहीं किसानों ने कहा कि बिजली न मिलने से उनकी फसलें भी तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह पलेवा और बुआई का टाइम चल रहा है, बगैर बिजली के पानी की सिंचाई नहीं हो सकती। जब इस संबंध में SDO राठ SP मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बहानेबाजी करते हुए बताया कि इसकी शिकायत हमने ऊपर अधिकारियों से की है और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन जब उनसे समय पूछा गया तो उन्होंने कोई भी तसल्ली भरा उत्तर नहीं दिया। आक्रोशित होकर उपभोक्ता किसानों ने कम से कम 2 सैकड़ा मीटर बिजली विभाग में जाकर तोड़ दिए। सारे लोग अपने अपने घरों से मीटर उखाड़ कर ले आए थे, जिनको उन्होंने बिजली विभाग में पहुंचकर SDO के सामने ही जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। हमारे गांव से लोग 1 सैकड़ा लोग हैं और SDO साहब के यहाँ कल आए थे तो वो लोग क्या नाम FIR दर्ज करने की धमकी दे रहे थे और लैंडमैन 1,000 रुपए मंगा रहे हैं, अगर बिजली चाहिए तो 1,000 रुपए सब लोग दीजिए और 2500-2500 रुपया बिल आ रहा महीने का। तब आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये किसान की भीड़ है, अन्नदाताओं की भीड़ है। एक तरफ आज ये जो सरकार केंद्र और प्रदेश में बैठी है, रोज तरह तरह की बातें करती हैं कि ये हम किसानों को ये दे रहे वो दे रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसान कितना परेशान है। इन लोगों को बिजली शायद 24 घंटे में 1 घंटे भी उपलब्ध नहीं होती है। मीरपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।